अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी जो वीडियो का मकसद है वो ये है, और पॉइंट हमारा ये है कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट कैसे किया जाए। ये मैंने लफ्ज़ ये लाइन मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि मेटाबॉलिज्म को मैंने तेज़ करना है और मुझे इसका कोई तरीका बताएं, इसका कोई जादुई तरीका जो मैं पी के मेरा मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाए। अब आपने BCO वीडियोज़ देखी होंगी यूट्यूब पर, अब आपको बहुत लोगों ने बताया भी होगा कि आप ग्रीन टी ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दें तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा, आप ब्लैक कॉफ़ी जितनी पी रहे हैं उसको 3 कप कर दें आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा। ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, ये चीज़ें आपकी बॉडी के लिए अच्छी हैं, लेकिन इनको एज ए ड्रिंक ट्रीट करें, इनको एज ए बेवरेज ट्रीट करें तो मेरे ओपिनियन में बेहतर है। इनको आप फैट लॉस से कनेक्ट ना करें, इन चीज़ों से अगर फैट लॉस होता तो शायद हर किसी का वज़न कम हो चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। बात असल में ये होती है कि आपकी बॉडी एट रेस्ट, चाहे आप सारा दिन सो भी रहे हो, तो कुछ कैलोरीज बर्न करती है। वो कैलोरीज वेरी करते हैं, किसी के लिए वो कैलोरीज होती हैं 1000, किसी के लिए 1200, किसी के लिए 1500, किसी के लिए 2000, ये डिफरेंट होती हैं हर किसी के लिए। अब वो उनकी एक्टिविटी के हिसाब से, उनकी हाइट, वेट, एज के हिसाब से वो कैलोरीज सारी ज़िंदगी चेंज होती रहती हैं। अब मकसद ये है कि इन कैलोरीज़ को इंक्रीज़ कैसे किया जाए। इन कैलोरीज़ को अगर आपने इंक्रीज़ करना है, उसका मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि डू यू वॉन्ट टू गेन द रियल नॉलेज और डू यू वॉन्ट टू गो बैक टू ड्रिंकिंग ग्रीन टी और कॉफ़ी और एनीथिंग। पॉइंट ये है कि अगर आप सारा दिन घर पे बैठे हैं, आप ऑलरेडी लेट्स से एक फिगर ले लेते हैं, आप 1500 कैलोरीज घर पे सारा दिन बैठ के भी बर्न कर रहे हैं, लेकिन जब आप वो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं आपने उसमें इंक्रीज़ लाना है। आप घर से मार्केट तक आपने अपने घर के रहीम चाचा को भेजना है या अब्बू को भेजना है या भाई को भेजना है कोई सब्ज़ी लेने के लिए, तो उसकी बजाय आप स्टेप्स ले लें, आप मार्केट से ले, आप घर से लेकर मार्केट तक वॉक कर लें। अब आपके दिमाग में आ रहा है यार कि क्या चीज़ है ये, क्यों इतनी कॉम्प्लिकेट कर रहा है, इतना टाइम किसके पास है। देखें अगर हम, और अगर आप देखें, अगर आप वर्किंग वूमन हैं, वर्किंग मैन हैं, तो फिर भी आपके लिए बेनिफिशियल है, आप फिर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सब्ज़ी लेने जाना है तभी आपने वॉक करनी है। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप लिफ्ट लेने के बजाय आप सीढ़ियों से चले जाएँ, उससे फ़ायदा क्या होगा। देखें जैसे जैसे आपके दिन की स्टेप्स इंक्रीज़ होती हैं, वैसे वैसे आपकी नीट इंक्रीज़ होती है। नीट का मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जब ये आपकी कैलोरीज, आपके नीट इंक्रीज़ होगा तो आपकी बाकी जो कैलोरीज हैं जो आप बर्न कर रहे हैं थ्रू आउट द डे, वो इंक्रीज़ होती रहेंगी। जब वो इंक्रीज़ होंगी तो आप एट रेस्ट भी बर्न कर रहे थे, आप यहाँ से भी बर्न कर रहे हैं, ओवरऑल आप जो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। इन दी एंड अगर आप डेफिसिट में भी खा रहे हैं तो आपका वेट लॉस काफ़ी स्पीड अप हो जाएगा, काफ़ी तेज़ हो जाएगा। ये एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि टेक द स्टेयर्स, स्टॉप गोइंग थ्रू द एलिवेटर, डोंट टेक द लिफ्ट, डोंट टेक द कार। इस ये हम पुराने ज़माने में सुनते थे ना कि घर वाले जा रहे हैं तो कहते हम इतने इतना खाते थे लेकिन हम मोटे नहीं होते थे। वो इसलिए नहीं होते थे क्योंकि वो चलते फिरते बहुत ज़्यादा थे। अगर आज भी आप किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं, वो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन यू वुड बी सरप्राइज टू सी द फिजीक। द रीज़न इज़ बिकॉज वो खाते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन द एंड वो चलते भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक टाइम जो चल रहे हैं उसको बढ़ा दें, आप ओवरऑल जो आपके 24 घंटे हैं उन 24 घंटे में जो आपकी एक्टिविटी है थोड़ी बहुत करते करते, ये जो कहते हैं ना कतरा कतरा करके दरिया बनता है, तो वो दरिया बन जाएगा यहाँ पे, और आपकी कैलोरीज जो बर्न हो रही हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एज अ रिजल्ट योर मेटाबॉलिज्म विल इंक्रीज़। जब आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा, योर वेट लॉस विल बिकम मोर एफिशिएंट। हम ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह है, उस मशीन को आप तेल ही नहीं दे रहे, ये जो चलना है, ये जो खाना है, ये तेल है। पहले अपनी डाइट सेट करें, लेकिन आपने मेटाबॉलिज्म अपना तेज़ करना है, अपना फास्ट करना है, तो पहले अपनी मशीन को ठीक करें। उस मशीन की प्रोग्रामिंग के अंदर एक टेक द स्टेयर्स, टेक वॉक टू द वेजिटेबल शॉप, वॉक टू द मार्केट, एंड इन शॉर्ट डोंट बी लेज़ी।
अब आई डोंट मीन टू बी मेन टू यू गाइज़, आई एम नॉट बींग मेन कि आप बिल्कुल नहीं चलते, आप लेजी हैं, हो सकता है आपका स्केड्यूल बहुत डिमांडिंग है, हो सकता है आपका दिन बहुत डिमांडिंग है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर हर एक घंटे बाद आप 5 मिनट मैनेज कर सकते हैं. अगर आप अपने ऑफिस में ही हैं, आप वहाँ से लेकर पानी पीने तक, जहाँ पे आपका वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है, तो आप वहाँ तक वॉक कर सकते हैं हर एक घंटे बाद. हर एक घंटे बाद 5 मिनट की वॉक, 5 इंटू अगर आप 8 घंटे भी काम कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लें, आपकी कैलोरीज आ जाएंगी सामने. अब इसका कोई डेफिनेट नंबर नहीं है कि आपने इतनी कैलोरीज बर्न की, आपकी इतनी कैलोरीज ऐड अप हो जाएंगी. आपको कैलोरी जो फिटनेस ट्रैकर्स हैं, जो बैंड्स हैं, मैं भी पहनता हूँ, लेकिन मैं उस लिए नहीं पहनता, मैं सिर्फ अपने स्टेप्स ट्रैक करने के लिए पहनता हूँ. आपको कोई भी दुनिया के डिवाइस ये नहीं बता सकता कि आपने कितनी कैलोरीज एडिशनल बर्न की हैं. कुछ ओवर स्टेट करेंगे, देखें आप ओवर स्टेट करेंगे, आप वो कैलोरीज खा लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा. उसको सिर्फ स्टेप ट्रैकर की जगह ट्रीट करें, उसको आप कैलोरीज के नंबर के लिए ना ट्रीट करें. देखें, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप एडिशनली कितने एक्टिव थे. जब आपको पता लग जाएगा, दैट विल इवेंचुअली बिकम अ रूटीन. आई वॉज अ वेरी लेजी गाय, आई वॉज वेरी लेजी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. मैं अपने कमरे से किचन तक नहीं जाता था, मैं वॉशरूम नहीं जाता था कि मुझे चलना पड़ेगा. दैट साउंड्स वेरी फनी एंड लेम, बट दैट्स ट्रू. अपनी एडिशनल जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाएं, 2 दिन बढ़ाएंगे, 4 दिन बढ़ाएंगे, हफ्ता बढ़ाएंगे, वो एक रूटीन बन जाएगी, वो एक लाइफस्टाइल बन जाएगा, और आपको ताउम्र वो फ़ायदा देगा. आपको आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा. तो अगर आपको इसमें से कोई भी बात समझ नहीं आई, या आपको कोई सवाल है आपका, तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे मेरे से पूछ सकते हैं. अच्छा, एक छोटी सी बात हमारी रह गई कि जो ग्रीन टी की मैंने आपसे इनिशियली बात की, शायद काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा कि क्या इनसे मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है नहीं होता. देखें, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह से एक बहुत माइनर सा डिफरेंस पड़ता है. वो माइनर डिफरेंस होगा 10 कैलोरीज़ का, 15 कैलोरीज़ का, तो उसको तो आप अकाउंट में ही नहीं ले सकते. वो 10-15 कैलोरीज़ आपका क्या उखाड़ लेंगी, वो आपको क्या फ़ायदा दे देंगी. तो द पॉइंट इज़ कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें, अपने स्टेप्स बढ़ाएं दिन के. उसके लिए फ़ोन्स में प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होती हैं, डिफरेंट ट्रैकिंग ऐप्स होती हैं, उनको डाउनलोड कर लें और आपके सामने आपके स्टेप्स आ जाएंगे. यू विल गेट टू नो. एक टारगेट सेट करें, लेट्स से इनिशियली आप 5000 का सेट करें, स्लोली स्लोली इसको इंक्रीज करके 8000-10000 तक लेके जाएं, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ. यू विल गेट गारंटीड रिजल्ट्स, एंड इफ़ यू डोंट, पकड़ लें आके मुझे. तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. और आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. अंटिल देन, विल कम बैक विद अनदर वीडियो. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.